नैन्सी पेलोसी ताइवान में है और चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। चीन की धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और ताइवान में उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। ताइवान पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी ने चीन को सख्त पैगाम दे दिया कि अमेरिका झुकेगा नहीं और हर कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के सदर से भी मुलाकात की। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID interest issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. इधर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। उधर बौखलाए चीन ने ताइवान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। चीन पहले से ही अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान आने की मुखालिफत कर रहा था, लेकिन बीजिंग के सारे एतराज को खारिज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई तो खिसियाए चीन ने अपने मिलिट्री प्लेन उतार दिए। चीन के 21 लड़ाकू तैयारे ताइवान के हवाई सरहद में घुस गए और इसकी तस्दीक खुद ताइवान हुकूमत ने की है। ताइवान की वजारत दिफा ने ट्वीट करके बताया कि चीन के 21 एयरक्राफ्ट ताइवान की साउथ वेस्ट एयर डिफेंस जोन में घुसे हैं। न सिर्फ चीन ने लड़ाकू तैयारे ताइवान के आसमान पर उड़ाए हैं, बल्कि ताइवान की सीमा पर चीनी फौज ने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन पहले ही कह चुका है कि वो टारगेटेड मिलिट्री एक्शन लेगा और इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान तट के करीब 6 जगह युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। ताइवान को 21 लड़ाकू विमानों ने घेरा हुआ है। चीन की फौज समंदर में लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग तैनात है। मिलिट्री एक्सरसाइज और हवाई दरअंदाजी के जरिए भले ही चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है और पॉलिसी और फौजी तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issues. चीन ने ताइवान के हवाई इलाके में लड़ाकू तैयारे उड़ाए तो सरहद के पास जंग की मशक भी शुरू की, तो ताइवान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। चीन की तैयारियों से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी फौज को कॉम्बैट रेडी यानी जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन की धमकी के बावजूद 24 घंटे से भी कम के अपने मुख्तसर से दौरे के बाद नैन्सी पेलोसी साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।